झारखंड में भी भारत बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। रामगढ़ में एनएच जाम है। NH 33 जो रांची और जमशेदपुर को जोड़ता है वो चांडिल के पास पूरी तरह से जाम है। इसके अलावा रामगढ़ और जमशेदपुर के अलावा गिरिडीह में, बोकारो में भी जाम का व्यापक असर देखा जा रहा है। इस वक्त हम हैं राज्य के सबसे बड़े इंटरस्टेट बस टर्मिनल पे। 5 राज्यों के लिए यहाँ से बसें जो है वो कम्यूट करती हैं, खुलती है यहाँ से, और आम तौर पे यहाँ पे चहल पहल का नजारा होता है। सभी बस जो है उनके पहिए थम गए हैं, आप देख सकते हैं। ये बिहार शरीफ नवादा जो है, यानी बिहार के लिए ये बस जो है वो प्लाई करती है। बिहार शरीफ की बस आपको इधर भी दिख जाएगी, यहाँ हजारीबाग गिरिडीह की बस दिख जाएगी, और लोग यहाँ परेशान हैं क्योंकि जो है हर जगह भारत बंद का असर देखा जा रहा है। SC ST OBC मोर्चा सड़कों पे है, टायर जलाकर बंद जो है वो यहाँ पे करवा रहे हैं बंद समर्थक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम बसें जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे हैं, उनके पहिए थम गए हैं, और जो पैसेंजर्स हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बड़ा टर्मिनल है ये, इंटरस्टेट टर्मिनल है। यहाँ देख सकते हैं ये बस जो है हजारीबाग के लिए जाती है, उसी तरह से यहाँ पे तिलैया हजारीबाग के लिए जाती है बस। तो हर जगह आपको ये नज़ारा दूर तक आप देखेंगे, इसी तरह से बसेस जो है वो खड़ी आपको मिलेगी, और लोग परेशान हैं जो यहाँ पे स्टकअप हैं, जो यहाँ पे हेल्ड अप हो गए हैं, जो पैसेंजर्स जो यहाँ पे है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है बसेस फ्लाई करे और वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके, डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। आप लोग क्या यात्री हैं या यहाँ पे यात्री हैं? कहाँ जाना था? गिरिडीह जाना था। गिरिडीह, क्या नाम हुआ? विष्णु केडिया। अच्छा, तो कब से इंतजार में है? 1 घंटे से लगभग इंतजार में है। तो कहाँ रहने वाले आप लोग, कहाँ के हुए? गिरिडीह के रहने वाले। गिरिडीह के, तो यहाँ रांची आए हुए थे किसी काम से आए थे। अच्छा, तो सुबह से परेशानी पता चला, बस चल नहीं रही है। हाँ, तो अभी हम आए स्टैंड में पता करने के लिए कि कौन सी बस भी है, क्या साथ में फैमिली भी है, गाड़ी बच्चा भी है। अच्छा, पता करने आए कि कौन सी गाड़ी मिलेगी, किस टाइम पे मिलेगी। हाँ, जाना जरूरी है, जाना बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट काम है। यहाँ डॉक्टर के सिलसिले से आए थे। डॉक्टर के सिलसिले से आए थे आप लोग? हम लोग यात्री में ही हैं। आप लोग कहाँ जाना है? सर हमको जाना टाटा जाना था और जमशेदपुर। जी जी। अच्छा। और हमको जानकारी था नहीं। हाँ। और उतने काम इतने व्यस्त थे कि हम सोचे उतने ज्यादा नहीं रुकाव होगा हाईवे में। हाँ। वो अचानक सारा चीजें सब बंद हो गया। हाँ। और आके फंस गए, लगभग हम 3 घंटे से फंसे हुए हैं। 3 घंटे से फंसे हुए हैं। जी। अब कब क्या बता रहे हैं यहाँ से? अभी तो जाएगी नहीं गाड़ी। अभी तो कोई कुछ नहीं बता रहा है, कुछ कोई सूचना नहीं अभी मिल पा रहा है। अच्छा जी, बस चलेगा भाई आज? बस तो हम लोग स्टाफ हैं सर। हाँ, गाड़ी नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी? नहीं। कब तक? शाम तक? देखिए शाम तक उपाय है, 6-7 बजे का। जी सर। तो ये कहाँ आप लोग कहाँ बस में जाते हैं? हम लोग ले जाते हैं चतरा, ले जाते हैं चतरा। जी, तो देखिए रामगढ़ जाना पड़ेगा अगर चतरा किसी को जाना है, या रांची से बाहर निकलना है तो हाईवे पे जाना ही पड़ेगा, और हाईवे में जाम ऐसा है कि टायर जलाकर बंद समर्थक सड़कों पे उतर चुके हैं। यहाँ कोई किसी को गिरिडीह जाना है वो फंसा हुआ है, किसी को कहीं और जाना है वो फंसा हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, दूर तक पैसेंजर जो है वो फंस गए हैं, वो जा नहीं पा रहे अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक। किसी को अपने घर जाना है, किसी को ज़रूरी काम से जाना है, सभी लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार। इनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। कहाँ जाना है आप लोगों को? बाहर ही जाना है, पटना जाना था। पटना? आपको मालूम नहीं था आज भारत बंद का आह्वान? मालूम है, ऐसे ही आए हुए थे अभी। आए हुए थे, हालांकि देखिए ये सब चीज बहुत गलत चीज है। अच्छा। इसका विरोध होना चाहिए, जो सही चीज है उसका विरोध, मतलब सपोर्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है एक्चुअली में वो गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत नहीं देती, बहुत सोच समझ के देती है ना। बात सही है, क्रिमिनल को जो मिला हुआ है तो उसको छोड़ देना चाहिए, इसलिए उसके पास साधन भी है, संसाधन भी है, सब कुछ है, रिसोर्सेज भी है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो मेधावी हैं, जो एक्चुअली जिसको डिजर्व करते हैं, उसके लिए छोड़े। कि गलत नहीं है तो इसके लिए विरोध जो करते हैं, इससे लोगों को कितनी परेशानी होती है, हर एक लोगों को। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को एग्जाम के लिए जाना है, या किसी को कोई इमरजेंसी काम है, सब कुछ बाधित हो जाता है। इसलिए देखिए ये इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बंद बुलाया ही नहीं जाना चाहिए, और बंद जो है जिस वजह से बुलाई गई है उसका ये विरोध कर रहे हैं। इन्हें पटना जाना था, परिवार के साथ यहाँ इंतजार करते दिख रहे हैं।
यहाँ इसी तरह का नज़ारा आपको दूर तक दिखेगा, चूंकि इंटरस्टेट बस टर्मिनल है। अब देखिए यहाँ पे लोग ऐसे जो है चादर बिछा के इंतजार कर रहे हैं बसेस का कि कब जो है कम्यूटिंग नॉर्मल हो, नॉर्मलसी जैसे रीस्टोर होगा, बसेस चलने लगेगी। तो अब सिर्फ ये भी उसी इंतज़ार में है कि सब कुछ नॉर्मल कब हो। और बसेस इसलिए अप्लाई नहीं कर रही है कि वहाँ पे जो है अगर ये निकालते हैं गाड़ी सड़कों पे तो इनका नुकसान हो सकता है। तो जाहिर तौर पे परेशानी अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो आम लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है, और अगर किसी को इंतज़ार करना पड़ रहा है तो घंटों आम लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। किसी का इमरजेंसी जो है अगर है भी तो वो उसको अटेंड नहीं कर पा रहा है। किसी का अगर कोई काम है, किसी को कहीं अगर जाना है अर्जेंटली, तो वो उसको जो है कर नहीं पा रहा है। जाहिर तौर पे आम लोगों की परेशानियां जो हैं इस बंद से बढ़ी हुई साफ तौर से दिख रही हैं। भारत बंद का व्यापक असर NH 33 पे भी दिख रहा है। अमूमन ये भीड़ भाड़ वाली सड़क है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। आगे चल के जमशेदपुर यानी टाटा है और एक बड़ी औद्योगिक नगरी है जहां से लगातार जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। उधर जो है बंगाल तक चला जाता है, कोलकाता तक चला जाता है, बहरागोड़ा, और आप देख सकते हैं हर जगह का डिस्टेंस, खड़गपुर जा सकते हैं इस सड़क का इस्तेमाल करके, इस पर जो है अप्लाई करके। और मुंबई तक का रास्ता जो है यहाँ से निकलता है, छत्तीसगढ़ तक का रास्ता निकलता है, बंगाल में घुसने के बाद उड़ीसा का रास्ता निकलता है, इसी सड़क का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। तो ये जो है काफ़ी व्यस्ततम सड़क में माना जाता है, लेकिन आज बिल्कुल छोटी मोटी गाड़ियां ही आपको दिख रही है, टू व्हीलर्स है या फिर जो अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर चल रहे हैं वही अप्लाई कर पा रहे हैं। बसेस जो है इस रूट में काफ़ी चलती है लेकिन वो नहीं दिख रही है, वो आउट ऑफ रोड है आप देख सकते हैं। और ये नज़ारा जो है नॉर्मल नज़ारा नहीं है, अमूमन इस तरह का जो है स्वाभाविक नज़ारा नहीं है, ये भीड़ भाड़ वाला सड़क है NH 33 जो है, इस पर गाड़ियां काफ़ी चलती है। आज सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स फ्लाई कर रही है, कमर्शियल व्हीकल जो है सड़कों के बाहर है, पहिए थम गए हैं। भारत बंद का असर जो है इस नेशनल हाईवे 33 पे भी देखा जा रहा है, जो रांची जमशेदपुर को जोड़ता है, उसी तरह से रामगढ़ से लेकर पटना तक का जो स्ट्रेच है उधर भी आपको इस बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।